केम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं सम स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल हमको दिया हुआ है। तो आज हमको एग्जांपल दिया हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके अंदर एग्जांपल है अ मैन्युफैक्चरर ऑफ क्वार्टर पिंस नोन्स दैट 5% ऑफ हिज प्रोडक्ट आर डिफेक्टिव। यानी कि कंपनी को पता है कि वो जो बना रहा है उसमें से कितने परसेंट डिफेक्टिव निकलेगा। 5% तो डिफेक्टिव निकलेगा ही। इफ ही सेल्स क्वार्टर पिन इन अ बॉक्स ऑफ 100 एंड गारंटीज दैट नॉट मोर देन 10 पिन विल बी डिफेक्टिव। यानी कि 10 पिन से ज्यादा डिफेक्टिव पिन्स नहीं निकलेगी। तो हमको फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स विल फेल टू मीट द गारंटी क्वालिटी। यानी कि आपको जो बॉक्स दिया हुआ है वो इस गारंटी में नहीं आता है, उसका मतलब यानी कि उसके अंदर डिफेक्टिव पीस कितने होने चाहिए, 10 से ज़्यादा। तो इसको हम सबसे पहले क्या क्या डिटेल दिया हुआ है वो लिख देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया हुआ है पी परसेंटेज में, उसको हम पॉइंट में डिवाइड करेंगे। एन दिया हुआ है कितने बॉक्स हमारे पास है, एन 100। तो दो वैल्यू हमको दी हुई है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमको दिया हुआ है पी परसेंटेज में है 5%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/100, क्योंकि क्या है परसेंटेज साइन बहुत अच्छी नहीं लगती है हमको, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 0.05। उसके बाद सेकंड हमको दिया हुआ है एन, वो क्या था भाई साहब 100। अभी हमको एक लैम्ब्डा की इक्वेशन पता है एन इंटू पी, यानी कि 100 × 0.05, यानी हमारा लैम्ब्डा हो जाएगा 5। बहुत इजी हो गया। अब तो हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। x = e^λ λ^x / x, λ की जगह पे 5 रख देते हैं तो क्या मिलेगा, e^-5 5^x / x। अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा था कि बॉक्स में कितने से ज़्यादा पिन डिफेक्टिव नहीं होते हैं, 10 से ज़्यादा। लेकिन हमको प्रोबेबिलिटी इसके लिए फाइंड करनी है कि उसमें बॉक्स में हमको जो बॉक्स मिलेगा उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 से ज़्यादा उसमें क्या होगी, डिफेक्टिव कॉटन पिन्स होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 − probability of x < or = 10, मतलब तो सेम ही हुआ। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 − summation of x = 0 से लेके 10 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू कैपिटल X। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 − summation of x = 0 to 10 e^-5 5/x / x। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आपको क्या करना है, x की जगह पे 0 + 1 + 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी 11 डिजिट आएंगे आपको, 11 डिफरेंट फॉर्मूला आएगी, उसको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद उसका जो आंसर आया उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.0137। आप लोग इसमें डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं,